हेलो गाइज, मैं मोहित आज आप सबके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जो रिलेटेड है 17 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था, शिफ्ट वन एग्ज़ाम। उसमें हम मैथ का सेक्शन सॉल्व करना कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि ए बी सी एक कॉर्ड है और एक एल पॉइंट पर टच है, तो ए बी की वैल्यू बतानी है, एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इसका क्या फार्मूला होगा? एक पूरी लाइन, ये वाली पूरी लाइन डी एल, की मल्टीप्लाई सी एल से करेंगे। ये किसके इक्वल होगा? ये दूसरी लाइन के एज इट इज इक्वल होगा ए एल इंटू बी एल, ठीक है। तो ए एल क्या हो जाएगी आपकी? एक्स प्लस फोर हो जाएगी, ठीक है। तो ए एल क्या होगी? एक्स प्लस फोर। डी एल 17 हो जाएगी, प्लस हो जाएंगे कि 11 प्लस 6 प्लस हो जाएंगे, ठीक। तो 17 इंटू 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 इंटू 4। तो इसको सोल्व करेंगे तो एक्स प्लस 4 की वैल्यू आएगी 25.5, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21.5 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो सीपी मेरा कितना है? तो एमपी कितना हो जाएगा? 130, ठीक है। तो अब पूछा है कि इस पर 35% का डिस्काउंट दिया गया है, तो 35% का डिस्काउंट 65/100 कर देंगे मल्टीप्लाई के साथ। तो लॉस परसेंटेज बताना कितना होगा? तो इसको काटेंगे तो 0 से 0, तो ये आपका आ जाएगा 84.5, ठीक है। ये क्या है? एमपी की रियल प्राइस है, डिस्काउंट देने के बाद एसपी की प्राइस है, ठीक है। तो अब खरीदा इतने में था, बेचा इतने में, तो कितना नुकसान हुआ? 15.5% लॉस परसेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई भी दो नंबर उसका डिफरेंस ये है, प्रोडक्ट ये, ठीक। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 43, एक्स वाई इज इक्वल टू 50। तो इनका स्क्वेयर का सम बताना है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वेयर कर देंगे, एक्स माइनस वाई का स्क्वेयर दोनों तरफ कर देंगे इसमें। तो एक्स माइनस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy इज इक्वल टू 43 का स्क्वेयर कितना होता है? 43 का स्क्वेयर होता है 1849, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 50 इज इक्वल टू 8049। ए साइड माइनस, दूसरी साइड जाके प्लस, तो ये कितना आंसर ला देगा आपका? 1949, तो आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इतना है, तो लेंथ एरिया 5 है, लेंथ उसी का 1 है, ठीक। तो हमें लेंथ की वैल्यू निकालनी है। तो एरिया एल, तो एल की 1 है, तो 1 की जगह एल ही मान लेता हूँ, और 5, ये 5 एल हो जाए। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होती है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 5 एल। तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आ गई? 5, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 50, तो 2 से 25 कट गया।
तो एल प्लस बी कितना, 5 इज इक्वल टू 25। तो एल प्लस 25 माइनस 5, सॉरी एल इज इक्वल टू 20 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल की दो साइड दी हुई हैं, एक 3 है एक 8, थर्ड साइड एक्स है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी? तो कुछ नहीं करना, छोटी साइड के लिए तो 8 माइनस 3 कर देंगे और एक्स को बीच में ले देंगे, और एक्स के दोनों तरफ, एक तरफ माइनस करना है एक तरफ प्लस करना है, आंसर आ जाएगा। तो 8 माइनस 3 5, एक्स 8 प्लस 3 132 डिवाइड बाई 12 कितना आया, 11, 11 इंटू एक्स, 11x हो गया, माइनस 9 डिवाइड बाई 25 माइनस 24, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। अब ऑप्शन से आप पुट करके देख सकते हो आंसर इक्वल आएगा, जिस ऑप्शन से वही ऑप्शन आपका राइट होगा। तो पहले 3 पुट करके देख लीजिए, 33 माइनस 9 24 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 9 प्लस 1 10, 1 नहीं बना रहा। तो एक पुट करके देखें तो 11 इंटू 1, 11 माइनस 9 2, 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कट गया तो 1 आ गया, तो ये अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू आ, एक्स की वैल्यू क्या आएगी सॉल्व करने के बाद, एक्स की वैल्यू आएगी 2.5, वाई की वैल्यू आएगी 1.5, और जेड की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3.5। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि कितना ऐड करें 4:7 में ताकि ये 2:3 बन जाए। तो 4 डिवाइड बाय 7 में क्या क्या ऐड करें, एक्स ऐड करते हैं इज इक्वल टू में 2/3 बना देगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 12 प्लस 3 एक्स इज इक्वल टू 14 प्लस 2 एक्स, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, तो हम 2 ऐड करेंगे ताकि 2:3 आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रायंगल है ABC, ABC, BC पर क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये लाइन इक्वल, तो क्या बोला, ट्रायंगल ABM का एरिया कितना है, 18, तो मिड पॉइंट क्या कहेगा, मिड पॉइंट दोनों एक ट्रायंगल को दो हिस्सों में डिवाइड करता है इक्वली, तो एक का 18 है तो दूसरे का भी क्या आ जाएगा, 18, और कंप्लीट का निकालेंगे तो 18 प्लस 18 कितना आ जाएगा, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि इन विच ईयर वैल्यू पर टन द मिनिमम सबसे कम कौन से ईयर में थी,
152 में है, तो अब ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा आंसर होगा आपका। 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि एक्स वाई दोनों मिलकर 15 दिन में काम करते हैं, ठीक है, वाई उसी काम को 40 दिन में करता है, तो एक्स अकेला कितने दिन में करेगा। टोटल काम कितने हैं, 120, ठीक है, तो दोनों मिलके इनकी कैपेसिटी क्या होगी, 8, इसकी कैपेसिटी क्या होगी, 3, तो 8 माइनस 3 करें तो 5, ये एक्स की कैपेसिटी आई, एक्स की कैपेसिटी आई, ठीक है, तो दिन कितने दिन लगाएगा, तो 120/5 कर देंगे तो दिन आ जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिटवीन विच टू कंजिकेटिव वीक्स राइज इन द नंबर ऑफ डेथ आर ग्रेटेस्ट, मतलब कौन से 2 ईयर में, 2 सप्ताह में डेथ की रेट बढ़ी है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इनक्रीज हो रही है, तो 30 जून से 7 जुलाई, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वैल्यू फाइंड आउट, वैल्यू निकालनी है इसकी, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो -sin30 की वैल्यू 1/2 डिवाइड बाई sin30 की वैल्यू √3 बाई 60 की वैल्यू 2 प्लस cos60 की वैल्यू 1/2, तो ये क्या हो गया, √3 -1 डिवाइड बाई √3 + 1, ठीक है, लेकिन नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में हम स्क्वायर रूट नहीं रखते, तो इसकी क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे, √3 - 1/√3 - 1, ठीक, तो ऊपर तो क्या आएगा, √3 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा 3 + 1 - 2√3, नीचे क्या आ जाएगा, इन दो a + b, a - b का स्क्वायर, सॉरी इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² - b², तो a² 3 - 1, तो ये 4 - 2√3 डिवाइड बाई 2, तो ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 - √3 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आंसर आएगा, 2 - √3 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सचिन इनकम इज 25% मोर देन दिलीप इनकम, तो दिलीप की कितनी है, सो सचिन की कितनी हो जाएगी, 25% ज़्यादा, तो 125। अब पूछा कि दिलीप की इनकम कितनी कम है सचिन की इनकम से, तो कितनी कम है, 25 डिवाइड बाई किससे, सचिन से, तो सचिन की क्या है, 125 × 100, 25 से 5 टाइम्स, 5 से 20, तो आपका 20 आंसर। अगर सोहन ने ये प्लॉट इतने बेचा तो 15% का लॉस किया, अब उसे क्या करना है, कितने बेचा कि ताकि 10% प्रॉफिट हो, तो पहले इन दोनों का प्रॉफिट चेक करो कितना होगा, 25%, 25, ठीक है, तो 15% लॉस में गया, तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, 85% के बराबर है, ये 255, तो 1% कितने बराबर होगा, 1% बराबर होगा 3000 के, ठीक है, 3000 के, तो 25% कितने बराबर होगा, 25% 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 0 75 3 0, ठीक है,
तो कुछ नहीं करना, इसको और इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 0 5 5, 10, 5 4 7, 12 एंड 1 3 एंड 3, 3 3 0 0 0 0, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि एक बैट्समैन ने 11 इनिंग में 77 रन बनाए, ठीक है, तो पहले पहले 10 इनिंग की एवरेज देखते हैं कितनी होगी। पहले 10 की एक्स मान लेते हैं तो स्कोर कितना होगा, 10x, ठीक है। अब 11वां पहले 10 मैचों में एक्स थी ना, अब कितनी इंक्रीज हुई, 3, ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो 10x+77 इज इक्वल टू 11x+33, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जो आई 44 आई, एक्स की वैल्यू क्या आई, 44 आई। तो हमें तो 11वीं पारी के बाद का पता करना, तो 11वीं पारी के 11th इनिंग के बाद की ये स्कोर है, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 44 है, इसमें 3 ऐड कर देंगे तो कितनी एवरेज आ गई, 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा 2 है, ठीक है, तो साइन थीटा बताना है कितना होगा, तो यहाँ से हम इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं, 1/sin+cos/sin, एलसीएम सॉल्व करेंगे तो नीचे साइन 1+cos ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल टू 2। वन प्लस कोस इज इक्वल टू 2 sin, तो स्क्वेयरिंग करते हैं बोथ साइड, स्क्वेयरिंग तो कोस स्क्वेयर प्लस 2 cos इज इक्वल टू 4 sin स्क्वेयर, ठीक है, तो साइन स्क्वेयर की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 - cos² तो 1+cos² + 2 cos इज इक्वल टू 4 - 4 cos², तो यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करें तो 5 cos² + 2 cos - 3, ये इक्वेशन बन जाएगी, तो यहाँ से कोस की दो वैल्यू आएगी, कोस थीटा की 3/5 आएगी और दूसरी आएगी -1, तो हम माइनस की वैल्यू रिजेक्ट करते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, b/h होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो साइन की क्या होगी, p/h होगा, तो साइन p/h होगा, तो इसको सोल्व करते हैं तो ये 90 डिग्री पर होता है, तो 3 base 5, ये तो ये 4 हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, 4/5 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a³ + b³ इज इक्वल टू 20, ठीक है, ab 5 है, तो a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab इज इक्वल टू
20, ठीक है, तो ये 5 हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 से 20 गया तो 4, तो अब हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना, तो वो इससे निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करने के बाद माइनस प्लस 2AB, ठीक है। तो ए प्लस बी स्क्वायर निकालना तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2AB हो जाएगा। तो ये वैल्यू इधर पुट कर देंगे, तो ये 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 2AB हो जाएगा, जिसको हम कहाँ पुट करेंगे, इसमें ए प्लस बी स्क्वायर की जगह, तो 25 माइनस 2AB, सॉरी सॉरी, ये 2AB नहीं, ये ओनली AB खाली, तो माइनस 2AB माइनस AB, तो माइनस 3AB इज इक्वल टू 4। यहाँ से माइनस 3AB की वैल्यू आएगी माइनस 21, और AB की वैल्यू कितनी आ गई, 7। AB की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो हमें क्या निकालना है, ए फोर प्लस बी फोर, ए फोर प्लस बी फोर, तो हम क्या करेंगे, चलो AB की वैल्यू 7 आई, ठीक है, AB की वैल्यू कितनी आ गई थी, 7, चलो। और हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB था ना मेरा वो इक्वेशन में, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी आपकी, 25 माइनस 2 इंटू 7, तो 25 माइनस 14 इज इक्वल टू 11, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 11। अब क्या करेंगे, इसी का स्क्वायर कर देंगे, जिससे क्या आएगा मेरा, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या आया, हमें ये निकालना है, ठीक, इस साइड क्या है, 11 का स्क्वायर, तो 121, 121 इज इक्वल टू ए फोर प्लस बी फोर प्लस 2A² बी स्क्वायर, तो 121 इज इक्वल टू ए फोर प्लस बी फोर प्लस 2 इंटू, ये ए बी का होल स्क्वायर है, तो ए बी का होल स्क्वायर 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49, तो 121 इज इक्वल टू ए फोर प्लस बी फोर 49 है ना, 49, 2 इंटू 49 98, तो 98 को इधर भेज देंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस इसमें आप वैल्यू पुट करके देख लेना एक्स की जगह, ठीक है, ऑप्शन से उठा के, तो मैंने 30 पुट किया था, तो ये मेरा आंसर नहीं दे रहा था, क्या आंसर दे रहा था मेरा, 4/3 माइनस 2√3 प्लस 2, और फिर मैंने 60 पुट किया, तो 60 पुट करने पे इसका आंसर आया 4 − 3 × 2 प्लस 2 = 0। ट्राई करके देख लें, 4 − 6 + 2 = 0, 6 − 6 = 0, तो 60 आपका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि कितने स्टेट में 30% या उससे कम है, तो 30% इसमें कम है, इसमें कम, और इसमें ओनली 30%, तो आपका 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें बोला कि कौन से 2 वीक में आपका जो डेथ का रिकॉर्ड था वो सब वो कम हुआ है, तो सबसे ज़्यादा इसमें था, तो इससे अगले में कम हुआ सबसे ज़्यादा,
तो आपका 7 जुलाई से 14 जुलाई आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग, अच्छा ठीक है, एक सर्कल है उसमें एक कॉर्ड है 24, तो इसकी सेंटर से दूरी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 24 है तो ये कोड क्या है, सेंटर आधा आधा कर रहा है, तो ये 12, इस साइड भी 12, तो क्या पूछा, डायमीटर, तो पहले रेडियस निकालें, तो रेडियस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम निकाल लगा देंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से रेडियस कितनी आ गई, 13, रेडियस कितनी आ गई, 13, तो डायमीटर क्या आता है, 2 i so far, तो 2 × 13 = 20। इसको डिवाइड कर देगा ऑप्शन में से, तो कैसे करेंगे, मैं 7 की पावर 80 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें 7 + 7 की पावर 2 + 7 की पावर 3 रह जाएगी, तो 7 की पावर 80 = मल्टीप्लाई विद 7 + 49 + 3 = 43, तो आप इसके अंतर वाले को सम करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 9 7 3 10 और 9 19 1, 1 + 4 5 5 4 4 9 और ये 3 3 99, तो ऑप्शन में 399 है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट के 2 सालों में, 8 साल और 10 साल में, कितना है, 200, रेट क्या है, 10% हर एक में सेम, तो मैंने क्या किया, PRT फार्मूला होता है, तो रेट और प्रिंसिपल को मैंने ले लिया बाहर, और अंदर क्या ले लिया, टाइम, तो डिफरेंस है, तो 10 - 8 = 200, तो इसको सोल्व करेंगे तो P × 2 = 200, तो P की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 100, गलत, अच्छा, ये 10 भी तो था नीचे, ठीक है ठीक, डिवाइड बाय 10, तो पे की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1000, तो ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि एक डिस्टेंस एक्स टू वाई 20 किलोमीटर गया, वाई टू एक्स मतलब सेम डिस्टेंस कवर की 25, दो स्पीड दे रखी, तो उनकी एवरेज स्पीड पूछिए, तो फार्मूला क्या होता है आपका, इस स्पीड को एक्स मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ, तो फार्मूला क्या आता है, 2 × x × y / x + y, तो 2 × 20 × 25 / 20 + 25, तो कितना आ गया, 40 × 25 कर देंगे, और नीचे क्या आ जाएगा, 49, तो ये 5, ये 45 था ना, 9 टाइम्स, तो ये कितना होगा, 200/9, तो ये आपका राइट आंसर होगा, लेकिन इसने मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ, तो मिक्स्ड में करेंगे 22/22 / 2/9, आपका आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।